हेलो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग। पहला गाय हो कि सब ठीक होला। मैंने स्वस्थ तो दगड़ियो बाजरान रखता है 8 तो करनो आज ब्लॉग स्टार्ट। में ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बनी रही और चैनल का सब्सक्राइब कर दिया है। तो गाइस, ब्लॉग की स्टार्टिंग खूबसूरत बाखली के बाहर से होती है। डेली आपको देखने को मिलती होगी खूबसूरत हमारी बाखली, थोकदार बाखली। तो आजकल तो सुबह सुबह धूप आ जा रही है और अम्मा यहाँ पे हल्दी डालने में लग रखी है सुखाने के लिए, क्योंकि पूरी काट दी हमने जितनी भी थी अब नहीं है। तो अब करते हैं नाश्ता। नाश्ते में कुछ भी नहीं बना रखा है, ओनली कॉफ़ी एंड बिस्किट खाने हैं बस। तो गाइस अब करते हैं नाश्ता, तो मिलते हैं उसके बाद आपको। तो कॉफ़ी मैंने बना दी है 2 गिलास, एक अम्मा के लिए एक अपने लिए, और खाते हैं साथ में बिस्किट। बिस्किट लेके आई हूँ पार्ले जी। तो गाइस बिस्किट भी डाल दिए हैं प्लेट में। यह है अम्मा की कॉफ़ी और यह है मेरी कॉफ़ी। तो अब हम पीते हैं कॉफ़ी। अम्मा तो खाने भी लगी है, तो मिलते हैं फिर आपको उसके बाद। तो गाइस नाश्ता हो चुका है, देख सकते हो। अम्मा अब मेरे को काम में ही लगाने वाली है और कुछ काम नहीं। अम्मा का दिन भर मेरे को काम ही नहीं करवाती। अब वैसे खाएगी फिर। तो गाइस ये लकड़ियां, ये मोट बॉल अम्मा, ये मोटे मोटे वाले सब फाड़ गए मेरे को। यहाँ पे मैंने बना रखी है लकड़ियां, ये देखो। तो गाइस मिलती हूँ अब आपको लकड़ियां फाड़ने के बाद। मैं ली है सिलाई फाड़ दी हूँ। अरे कोई बात नहीं, सूख जाएगा। तो गाइस अब मैं फाड़ती हूँ लकड़ियां, तो मिलती हूँ उसके बाद। कहूँ ये हो अचैन, अचैन में फाड़ना लकड़ी। अचैन मतलब उसके ऊपर पे लकड़ी रखी जाती है, फिर उसको कट कट किया जाता है। तो मिलते हैं अभी। मैं क्या तो गाइस मैंने लकड़ी भी फाड़ दी है, कपड़े भी धो दिए हैं। ये देखो इतने सारे अम्मा के भी हैं और मेरे भी हैं। अम्मा जा रही है माल मोल बकरियों को रोटी देने। एक भैंस है, एक गाय है, एक गाय का बच्चा है, एक बच्चा और है वहाँ पे, और 1 2 3 4 5 बकरियां हैं। पापा हो 7 9 मतलब 9 इनके गोठ में है। 10वां ये है कालू, 11 नवीन, 12 लक्ष्मी, 13 गईबू, 14 बिमला। 14 फैमिली मेंबर है इनके फैमिली में टोटल, और 2 चाचा लोग बाहर जॉब करते हैं। 14 15 16। तो गाइस देख सकते हो सबसे मतलब हमारी बाखली में ना सबसे ज्यादा गाय बच्चे इनकी है। तो मेरा हन्नापन है भाई, पूजा आजी कदुहन 4 5 9 8। तो गाइस सबसे ज्यादा इनकी है गाय बच्चियां, है ना हैंडवर। तो गाइस मिलते हैं अभी, अब खाना वाना बनाते हैं, तो मिलते हैं उसके बाद आपको। तो गाइस अभी बच चुके हैं दिन के 1। तो खाना मेरा बन चुका है, खाने पे बना रखा है मैंने खिचड़ी पुलाव टाइप का, आलू वगैरह उस पे काट के थोड़े से, थोड़े पतले वाले चावल थे। बल्ती ताई जी लोगों की पूजा थी ना, वो चावल बचे थे, सब यही छोड़ के गए वो। तो एक बार आपको भी दिखाती हूँ, अम्मा आने वाली है, अभी अम्मा भारी है। तो गाइस ये देखो पुलाव टाइप का मैंने बना ही दिया है, इस पे थोड़ा सा धनिया डाल दिया, हरा धनिया जो हमारे घर पे होता है खेत में, मतलब गार्डन में बन लाए रही। और अभी अम्मा परोसेगी इसको, तो फिर खाएंगे हम धूप में। अम्मा तो अंदर ही खाएगी, मैं खाऊंगी। तो मिलते हैं फिर आपको। तो गाइस मैं लेके आ गई हूँ खाना बाहर, और ये ना पूरी पहाड़ी डिश है। आज मैंने ना घर के चावल थे जो ताऊ लोग मतलब ताई लोग लेके आए थे, घर के चावल का बना रखा है। थोड़ा सा उसमें अचार भी लेके आई हूँ। अम्मा तो अंदर ही खा रही है और मैं खा रही हूँ बाहर धूप पे। तो अब मिलते हैं खाना खाने के बाद आपको, पहले खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। गाइस फोन के पीछे 20 रुपए हैं, ये बोल रहे हैं पार्टी करते हैं। बोल चल गाना गा दे, बैठ बना वाले बैठ बना का गुणे भा, बैठ बना मेरी गाड़ी माँ घूमी अलीट म्यारा दा गाना। गाइस नीचे को ना सोलिंग हो रही है पूरी रोड में, यहाँ तो हो चुकी है ना। कौन सा वाला बचा, नीचे वाला बैंड बैंड तक हो गया। तो गाइस धूप चलेगी है, तो गाय भैंस बैल सब गोठ में बांध दिए हैं। पूरी बाखली में एक भी गाय बच्ची नहीं है कि यही है, क्योंकि इसने अभी दूध नहीं दे रखा है। भैंस ने नसैली रही हो, ये ऊपर का भैर बद्दा हो। तो धूप जाने लगी है, दीन जन भगी हो देख सकता। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। क्यों क्या हुआ, क्यों मार खाई है? गाइस आज ये बोल रहा है बहुत गंदा दिन निकला, बोले इसने आज स्कूल में मार खाई है। सो गाइस अभी बच चुके हैं, शाम के 4:30 हो चुके हैं और अम्मा आ चुकी है घूम के। देखो
सोल हॉल ओड़ी भी हम आगे घूमे हम रोज रोज घुमानी जाए हम तो घर ही बैठो ना। तो गाइस अम्मा लेके आई है यहाँ पे लाई की सब्जी। तो आज हमें खानी है लाई की सब्जी। तो आज लाई की बनाते हैं सब्जी, तो मैं काटती हूँ तो उसके बाद दिखाते हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और मैं जाने लगी हूँ धारे। काफी ठंडा भी होने लग गया है आप देख सकते हो ट्रैक्टर वाले भैया लोग जा रहे हैं ऊपर को, कहीं हमें देखेंगे तो हमें मारेंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आप ब्लॉग इंडास करते हैं लूलर पे। तो काफी शाम भी हो चुकी है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ। सब लोग भले रहिए, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। जय देव भूमि उत्तराखंड।